Addressing modes are basically the commands of assembly language, which brings in the data to the accumulator. कहां से? रैम से. कहां पे? एक्यूमुलेटर. तो हमारे पास बहुत सारे तरह की कमांड्स हैं, बहुत टाइप्स हैं इसकी, वो हमें एक एक करके लर्न करनी. अच्छा, सबसे पहले हम यहां पर जो है वो मेमोरी को क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स से ये हमारी मेमोरी है, रैम. इसमें हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं. और ये लोकेशंस स्टार्ट हो रही हैं लेट्स से 20 से, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 20 पे रखा हुआ है 2, यहाँ पे रखा हुआ है 5, यहाँ पे रखा हुआ है 27, 27 पे रखा हुआ है 8, यहाँ पे रखा हुआ है 7, 6, 9, 15 और 20. 20 ना रखे, यहाँ पे 30 रखते. फिर हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है. ये रखा हुआ है एड्रेस 50 से, यहां पे रखा हुआ है LDV. ठीक है, यहां पे हमारे पास पहली कमांड ये रखी हुई है, इसको हम डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपके पास सारी कमांड्स लिख दूं. यहां पे हमारे पास एक और कमांड है, इसका नाम है LDD. फिर कहते हैं LDI. फिर आ रहा है LDM. फिर आ रहा है फिर आ रहा है LDX. फिर आ रहा है हमारे पास LDR, बल्कि हम पहले LDR कर लेते हैं. फिर LDX कर लेते हैं. फिर हमारे पास आ रहा है मूव 56 पे. फिर हमारे पास आ रहा है स्टोर. ऑलराइट, ये जो सारे कीवर्ड्स आप यहां पे देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं ऑप कोड या नेमोनिक. असेंबली लैंग्वेज में एक, ये देखिए, ये सारे एड्रेसेस हैं और इन एड्रेसेस पे ये सारी की सारी कमांड्स रखी हुई हैं, जो कि एड्रेसिंग मोड्स की कमांड्स हैं. इट मींस दैट दीज कमांड्स विल हेल्प कंप्यूटर टू फैच. फैच मींस टू रीड डेटा और टू राइट डेटा इन द मेमोरी. टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी इन टू एक्यूमुलेटर और राइट डेटा टू मेमोरी फ्रॉम द एक्यूमुलेटर. आपको याद है ना, जब इंस्ट्रक्शन आती है तो जाती है CIR में, और जब डेटा आता है तो जाता है एक्यूमुलेटर में. ठीक है. अच्छा, अब इनको हम एक एक करके देखते हैं. हम बेसिकली शुरू करेंगे 51 से. तो जो पहली कमांड है वो है हमारे पास LDD20. पहला जो एड्रेसिंग मोड है वो है डायरेक्ट, लोड डायरेक्ट. ऑलराइट, व्हाट? लोड डायरेक्ट. अब लोड डायरेक्ट के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है LDD, और इसके आगे लिखा हुआ होता है एक एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस. ये इसका सिंटैक्स है.
इसमें जो ये एल डी है दिस स्टैंड्स फॉर लोड, और ये जो डी है दिस स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि लोड करो डायरेक्टली फ्रॉम दिस एड्रेस। अच्छा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अक्यूमुलेटर में जाता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जाता है किसमें डेटा, अक्यूमुलेटर में, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखा लेट से ये कमांड, ये क्या है LDD20। अब हमारे पास, मैं यहां पे एक्यूमुलेटर भी बना रहा हूं, हमारे पास दो ये एक्यूमुलेटर है और एक और रजिस्टर होता है इंडेक्स रजिस्टर। ये इंडेक्स रजिस्टर भी कंट्रोल यूनिट के पास होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अक्यूमुलेटर तो आपको पता है, अक्यूमुलेटर ALU के पास होता है। जो डाटा आता है वो अक्यूमुलेटर में सेव होता है, जो डाटा जाता है वो अक्यूमुलेटर में से जाता है, ठीक है। तो LDD20 का मतलब क्या है, LDD20 का मतलब है कि इस एड्रेस पे जाओ और इस पे जो भी डाटा रखा हुआ है उसको अक्यूमुलेटर में लेकर आ जाओ। ऑलराइट, सो LDD सेज दैट टेक दिस एड्रेस गो देयर, यानी कि ये MAR में रखेगा तो MDR में क्या आ जाएगा, 2, और फिर वो वहां से कहां मूव करके चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में। अभी तक आपने फेटी कोड एग्जीक्यूट साइकिल में देखा था कि MDR के अंदर इंस्ट्रक्शन आ रही थी, अब क्या आ रहा है, डेटा, क्योंकि आप MAR में जो एड्रेस रख रहे हो वो डेटा का है, इंस्ट्रक्शन का नहीं है। इंस्ट्रक्शन तो आ चुकी है, एग्जीक्यूट हो रही है इस वक्त हमारे पास। तो LDD20 व्हाट, इट ब्रिंग्स द डेटा फ्रॉम द गिवन एड्रेस इनटू व्हाट, एक्यूमुलेटर। अब आ गए दूसरी कमांड, इसका नाम है लोड इनडायरेक्ट, लोड इनडायरेक्ट। इसका जो सिंटैक्स है वो है LDI एड्रेस। आप जैसे फर्ज करो कि मुझे ये पता है कि मेरा डेटा वारिस के पास है, तो मैं जाऊं बोलूं वारिस मुझे डेटा दे दो, तो ये हो गई डायरेक्ट बात, ठीक है। अब मुझे ये पता है मेरा डेटा कहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन दुशांत को पता है, तो मैं जाऊं दुशांत के पास बोलूं यार मेरा डेटा तो ला दो। ऑल्दो आई हैव एन आइडिया दैट दुशांत डज नॉट हैव माई डेटा, बट आई हैव एन आइडिया दैट दुशांत नोज वेयर माई डेटा इज, दैट इज इनडायरेक्ट। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मेरा डेटा जो है वो वारिस के पास है, मैं वारिस को जाकर कह रहा हूँ लाओ मेरा डेटा दे दो, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट, इसके अंदर जो ये आई होता है, ये आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप एड्रेस देंगे वो डेटा का एड्रेस नहीं होगा, बल्कि डेटा के एड्रेस का एड्रेस होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड जो उस वक्त मैं आपको कह रहा था, ये वाली indirect22 लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, LDI LDI 22। तो इसका मतलब है कि मैं जाऊं 22 पे, यहां से उठाऊं 27, फिर जाऊं 27 पे और लेकर आऊं 8। ये 2 गायब हो गया, 8 ने रिप्लेस कर दिया 2। दोबारा, LDI इज इनडायरेक्ट, गो टू 22, फाइंड द एड्रेस ऑफ द डेटा, गो देयर एंड ब्रिंग इन द डेटा, इट इज जस्ट वन स्टेप अहेड। ये नहीं होगा इसमें कि आप बोलेंगे सर और कितना आगे जा सकते हैं, बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। LDI 22, आप 22 पे गए, इनडायरेक्ट था, आपने वहां से एड्रेस उठाया, आप उस एड्रेस पे गए, तो इसका मतलब है कि ये जो एड्रेस है ये बयाप वक्त डेटा और एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑलराइट, सो व्हाई डू वी डू दिस इनडायरेक्ट थिंग, इट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर लेक्चर, ठीक है ना, इट इज समथिंग इन डीप, सो आई विल बी डिस्कसिंग इट इन परसों, नया लेक्चर। So LDI does not mean the data is directly there, rather it means that the address of the data is there, you go to that address and bring in the data. All right? अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड मोड ऑफ कमांड पे जा रहे हैं, LDM। अच्छा, थर्ड मोड ऑफ कमांड जो है इसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। व्हाट, इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट मीन्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू रेफर टू एनी मेमोरी लोकेशन, रादर आई एम गिविंग यू द वैल्यू, पुट दैट वैल्यू इन अक्यूमुलेटर। अभी तक क्या था, दोनों जगह पे आपके पास एड्रेस थे, अब यहां पे क्या है, अब हमारे पास है LDM और आगे हैश लगा हुआ है और उसके आगे कोई एक नंबर होगा।
पहले हम इस हैश की पूरी स्टोरी पढ़ लें, फिर हम आगे जाएंगे। तो ये सबसे पहले एम का क्या मतलब है? इमीडिएट। क्या मतलब है इसका? इमीडिएट, ठीक है। अब इमीडिएट का मतलब क्या है? आई एम नॉट गोइंग टू रेफर टू एनी एड्रेस, बट यही वैल्यू है, इसको कर लो। अब इस हैश का मतलब होता है कि ये डेनरी वैल्यू है। जब आप ऐसे लिखते हैं बगैर हैश वैश के, तो ये हमेशा क्या होते हैं? एड्रेसेस। जब आप इसको हैश के साथ लिखते हैं तो ये डेनरी वैल्यू है। क्या है? डेनरी वैल्यू। अगर आप इसको बी के साथ लिखेंगे तो ये होगी बाइनरी वैल्यू। और अगर आप इसको लिखेंगे एंड के साथ तो ये होगी हेक्स वैल्यू। लेकिन ये एड्रेस नहीं है, वैल्यू है। तो बी हैश या एंड, या इस एंड को हम बेसिकली कहते हैं एम्परसेंड, ये किसकी निशानी है? कि दिस इज नॉट एन एड्रेस, इट्स अ वैल्यू। तो हमारे पास जो कमांड है यहाँ पे वो है LDM5, यानी कि ये 5 जो है एक डेनरी वैल्यू है, इसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में रख दो। यानी कि कमांड क्या हो गई? LDM5। ये ले, हमने 5 रख दिया। हमने किसी भी मेमोरी के एड्रेस को रेफर नहीं किया, जो वैल्यू थी उठा के वही रख दिया। यू माइट हैव LDM1234123, ये 5 हो गया। लेकिन सॉरी, ये हैश के साथ नहीं आएगा, ये रादर किसके साथ आएगा? बी के साथ। नहीं नहीं बाइनरी डालनी है। बी का मतलब है बाइनरी वैल्यू, और हैश का मतलब है डेनरी वैल्यू, एंड का मतलब है, ठीक है, जो भी आप हेक्स में डालेंगे वो हेक्स में आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाए अगली कमांड पे। समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आ जाए आप अगली कमांड पे। ये है LDR3। LDR का मतलब क्या है? ये बेसिकली इंडेक्स्ड एड्रेसिंग है, लेकिन अभी इंडेक्स एड्रेसिंग के दो हिस्से हैं। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग के दो हिस्से हैं। इंडेक्स एड्रेसिंग में हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है? LDR, इस आर का मतलब है इसमें एड्रेस भी हो सकता है और इसमें वैल्यू भी हो सकती है। ज्यादातर हम इसको वैल्यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एड्रेस के साथ भी इस्तेमाल कर। फर्क कैसे पता चलेगा वैल्यू या एड्रेस है? एड्रेस ऐसे ही लिखा हुआ होता है, वैल्यू के आगे हैश होता है, एंड होता है, या एंड होता है, बी होता है, बी सॉरी। अब इसका मतलब क्या है? लोड टू इंडेक्स रजिस्टर। अच्छा, अभी हमारे पास एक IX है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स्ड रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर, अगर आप मेमोरी की कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे लोकेशन नंबर 20 से लेके लोकेशन नंबर 28 तक में सारे डाटा को जमा करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ, तो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं। हाउ एंड वाई इज अ टॉपिक ऑफ एनदर लेक्चर, ठीक है। तो फिलहाल तो वी आर एक्चुअली डूइंग बेसिक थिंग्स। तो लोड टू इंडेक्स है इसका मतलब। R does not mean anything over here. Directly it is load to index register. तो अगर मैं यहां पे लिखूं LDR4, तो इंडेक्स रजिस्टर में 4 लोड हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को हम इनडायरेक्टली कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? इस जगह से इतना डिस्प्लेस कर जाओ, आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, पॉजिटिव हो तो आगे चले जाओ, नेगेटिव हो तो पीछे चले जाओ, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू, अगर आपको याद ना भी रहा डिस्प्लेसमेंट तो इट्स फाइन, आप लिखें इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू। अब जो कमांड है वो है LDX, LDX और आगे लिखा होगा एड्रेस। ये एक्स का मतलब है इंडेक्स्ड, ये इंडेक्स एड्रेसिंग है। इंडेक्स एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? इंडेक्स एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जो आप LDX में एड्रेस देंगे, उस एड्रेस में इंडेक्स रजिस्टर का जो कंटेंट है वो ऐड होगा, और रिजल्ट जो आएगा वो आपके एक्चुअल डेटा का रिजल्ट होगा, मतलब एड्रेस होगा। अब देखें कमांड हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं LDX 23, LDX what?
23। तो ये जो 23 है इसको हम कहते हैं बेस एड्रेस, यहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू होगी। 23 में आप प्लस क्या करोगे, जो इंडेक्स रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर में आपके पास क्या है, फोर। तो ये आप लिखोगे फोर, तो ये फोर को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इतनी साइंस याद ना रहे तो सिंपल सा मतलब ये 23 4 5 6 7, 27 इज द एक्चुअल एड्रेस। तो आप जाए 27 पे और जो भी कंटेंट है, क्या है कंटेंट 8, ये आप लाके एक्यूमुलेटर में रख दें। यानी कि जब आपके पास लिखा होगा LDX 23, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कमांड है वो तो ओरिजिनली ये है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको आप इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल एड्रेस। और उस आप एक्चुअल एड्रेस पे जाके डेटा को लेकर आएंगे। जो 27 पे डेटा रखा हुआ है वो क्या है हमारे पास 8, और वो हम 8 लेकर आ गए। एक बार दोबारा, LDX एड्रेस, दिस एड्रेस इज बेसिकली बेस एड्रेस, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट। इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट क्या है 4, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो 23 प्लस 4 बिकम्स 27, और ये हमारा एक्चुअल एड्रेस है। इस एड्रेस पे अब आप जाइए, इस एड्रेस पे आप गए, ये 8 लाए और एक्यूमुलेटर में रख दिया। तो सिवाय LDR के जितने भी LD वाली कमांड्स हैं वो सारी की सारी डेटा को किस में लेकर आती हैं, एक्यूमुलेटर में। और जो LDR वाली कमांड है वो डेटा को किस में लेकर आती है, इंडेक्स रजिस्टर में। बाकी आपके पास जो है LDD, LDI, LDM, LDR, LDX, ये सारे किस में लेकर आ रहे हैं, एक्यूमुलेटर में। अब एक रह गया जो हमने शुरू में रखा हुआ था, ये है LDV, LDV 8। अब आपको पता है ना हैश का क्या मतलब है, डेनरी वैल्यू, सही है। अब हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है वो है रिलेटिव। कौन सी एड्रेसिंग है ये, रिलेटिव। अब रिलेटिव एड्रेसिंग का क्या मतलब है, अब हसन बैठा हुआ है चेयर नंबर 1 पे, वारिस इससे 3 कुर्सियां आगे बैठा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, 3 कुर्सियां आगे, ये रिलेटिव है, रिलेटिव टू हसन 3 चेयर्स डाउन, सही है। मैं जहां पर भी हूं मुझसे 8 आगे। अब मसला ये है कि मैं जो हूं एक प्रोग्राम का हिस्सा हूं, एक इंस्ट्रक्शन हूं खुद, और मैं कहां पे लोड होगा ये तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं अपने एड्रेस को तो बता भी नहीं सकता। हाँ मुझे ये पता है कि मेरा डेटा मुझसे 4 आगे रखा हुआ, एड्रेस कुछ भी हो जाए डेटा मुझसे 4 आगे रहेगा, समझ गया। तो अब रिलेटिव टू माय एड्रेस LDV, अच्छा अब इसके आगे हम लिखते हैं n, हाउ मेनी प्लेसेस। तो दिस वी इज फॉर व्हाट, रिलेटिव, दिस वी इज फॉर रिलेटिव, कितना रिलेटिव, जितना n डाल दो आप, बाइनरी में डाल दो, हेक्स में डाल दो, लेकिन वैल्यू आप डालोगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या कमांड है, LDV 8, यानी कि आप खुद जहां पे उसे 8 आगे, तो ये तो अच्छा, आप अपने आप को 0 मानोगे हमेशा, अपने आप को आप क्या मानोगे, जब भी LDV की कमांड होगी तो जहां होगी वो 0 है, उसके आगे कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली वैल्यू कौन सी 38, ये किसमें आ जाएगी, एक्यूमुलेटर में। आई बात समझ में, मुझसे इतना आगे रिलेटिव, ये कमांड याद करें आपको तकरीबन 26 कमांड याद करने, अभी हम सिर्फ 8 कमांड्स पे पहुंचेंगे। LDR में बिल्कुल एड्रेस हो सकता है, तो आप उस एड्रेस का कंटेंट इंडेक्स रजिस्टर में ला के रख देंगे, इंडेक्स रजिस्टर LDR में। तो आपको पता है ना कि LDR बेसिकली किसको लेकर आती है, इंडेक्स रजिस्टर में, और बाकी सारे किसमें लेकर आते हैं, एक्यूमुलेटर में। तो ये भी एक्यूमुलेटर में लाता है, ठीक है। ये वाली LDV, LDV की कमांड का मतलब ये है, नहीं नहीं राइट वाला, ये ना ये वाला एड्रेस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एड्रेसेस हैं और ये रिलेटिव एड्रेसेस हैं, ये रिलेटिव एड्रेसेस हैं मेरे से, जहां पे LDV है उसके, जहां पे LDV है उसके रिलेटिव एड्रेस।
इंटरेस्टिंग जी ये पक्के एड्रेस है, अगली बार लोड होगा ये एड्रेस चेंज हो जाएंगे, रिलेटिविटी थोड़ी चेंज होगी। अगली बार प्रोग्राम लेट होगा, 50 के बजाय हो सकता है 2000 मिलियन पे लोड हो जाए, हमें क्या पता, ठीक है ना। लेकिन ये रिलेटिविटी वही रहेगी, ये 38 जो है वो इससे 8 आगे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस, ठीक हो गया। जैसे कि आपके पास ये वाली कमांड है LDV 8 times, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम्पल हो गई। अब आपके पास है एक और कमांड जिसको हम कहते हैं मूव। मूव क्या करता है, मूव ये करता है कि जो आपके पास इंडेक्स रजिस्टर में है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपके पास एक्यूमुलेटर में है उसको आप इंडेक्स रजिस्टर में मूव कर देते हैं, मूव टू इंडेक्स, सही है। ये कमांड की अभी तक कोई वो नहीं आई है, क्या कहते हैं उसको, पास पेपर में एग्जाम्पल यूज नहीं हुई है। मैंने अभी सुना है कि जो अभी अक्टूबर में पेपर हुए हैं, अभी तो रिलीज नहीं हुआ पेपर, उसमें पहली दफा मूव को इस्तेमाल किया गया है। तो मूव के आगे अगर कुछ ना भी लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है मूव द कॉन्टेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू इंडेक्स रजिस्टर। तो अब जब ये मूव चलेगा तो जो इंडेक्स रजिस्टर में 38 रखा हुआ है किसमें चला जाएगा, इंडेक्स रजिस्टर, सही है। सो व्हाट मूव डज, इट एक्चुअली स्टोर्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू इंडेक्स रजिस्टर। स्टोर, स्टोर जो है एलडी, जैसे एलडी की सारी कमांड्स मेमोरी से डेटा को ला के एक्यूमुलेटर में स्टोर करती हैं, स्टोर की कमांड एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ले जाके मेमोरी में लोड करता है। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त एक्यूमुलेटर की करंट वैल्यू क्या है, 38। तो जब आप लिखेंगे स्टोर इन 29 तो ये 38 इधर 29 पे चला जाएगा। रिवर्स, जब हम लेकर आते हैं तो हम कहते हैं रीड, जब हम लेके जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, राइट। तो द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर विल बी रिटन टू एड्रेस 29 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो स्टोर्स टेक द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर थ्रू द एमडीआर टू द एड्रेस व्हिच इज इन एमएआर, राइट्स इट डाउन टू द मेन मेमोरी। सो सीधा सीधा अगर आप उर्दू में बोलें, जो कुछ एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है वो गिवन एड्रेस पे डाल दो जाके, खत्म हो गई बात। तो इसमें कहानी की आपको जरूरत ही नहीं, ये राइट बैक हो गया, क्या हो गया, राइट बैक, सही है। नहीं नहीं मूव नहीं, मूव कॉपी पेस्ट है ये, कट पेस्ट कभी नहीं होता किसी में भी, सब यही समझते हैं। जब हम वर्ड करते हैं ना यूज मूव गोस टू, तो लोग समझते हैं कट पेस्ट हो रहा है, कट पेस्ट नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज कॉपी पेस्ट वाली ना, फिर डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली हमने ये कमांड भी पढ़ ली, सो गेट द आइडिया। हाउ मेनी कमांड्स आर दीज, LDV LDD LDI, 3 4 5 6 7 8। इसका एक रिकैप करें, दीज आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। जब आप लिखते हैं LDD तो ये डायरेक्ट है, जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ और उसका कंटेंट जो एक्यूमुलेटर में ले आओ। तो LDD 20 से क्या होगा, आपके पास LDD 20 से 20 पे 2 रखा हुआ है एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। LDI का मतलब है कि ये इनडायरेक्ट है, जो भी एड्रेस आपको दिया हुआ है आप उस एड्रेस पे जाएं तो वहां पे आपको डेटा नहीं मिलेगा बल्कि डेटा का एड्रेस मिलेगा, फिर आप उस पे जाएं और लेकर आ जाएं एक्यूमुलेटर। अच्छा इसके बाद आता है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ऑफ द एड्रेसेस, रादर आई एम गोइंग टू गिव यू द वैल्यू। अच्छा वैल्यू अगर आप हैश से देंगे तो वो डेनरी तस्वर की जाएगी, अगर बी से देंगे तो बाइनरी, और अगर एंड से देंगे एम्परसेंट से देंगे तो वो हेक्स वैल्यू होगी। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं LDM डेनरी का 5 तो ये 5 चला जाएगा, या अगर आप लिखते हैं LDM बाइनरी का 5 तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में 5 चला जाएगा। इमीडिएट मीन्स नो एड्रेस द वैल्यू। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले आपके पास देखें इंडेक्स एड्रेसिंग, तो बेसिकली LDX ही है। LDR, LDR क्या करता है, लोड टू इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सेसिंग कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन, हाउ वी विल सी लेटर, बट फॉर नाउ इट इज वेरी सिंपल। जब आप LDR की इंस्ट्रक्शन चलाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जो भी आपका गिवन वैल्यू या एड्रेस है उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को इंडेक्स रजिस्टर में ले आता है, या अगर आप उसको इमीडिएट वैल्यू दे रहे हैं हैश के साथ तो उस वैल्यू को लेके इंडेक्स रजिस्टर में आ जाता है। तो आपने यहाँ पे बोला LDR 4, तो ये 4 इंडेक्स रजिस्टर में आ गया। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो भी एड्रेस फिर आगे इस्तेमाल होगा उसके आगे डिस्प्लेसमेंट आएगी फॉर 4।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया LDX। तो LDX means index, यानी कि take the help of index register here. So whatever the address that you give, जैसा कि हमने यहाँ पर LDX 22 लिखा हुआ है, सही है। तो ये जो 22 है, ये बन गया LDX 22 लिखा हुआ है, सॉरी हमने यहाँ पे LDX 23 कर दिया, खैर है। तो ये जो 23 है, ये हमारा क्या बन गया, बेस एड्रेस, यानी कि यहां इसको हम 0 मान के और इतना डिस्प्लेस करेंगे, तो फोर वैल्यू वैल्यू आई यहां से LDR4। ये इंडेक्स रजिस्टर में चली गई ना, ये रही इंडेक्स रजिस्टर में, तो ये पार्ट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर है। तो LDX का मतलब है कि व्हाट एवर द बेस एड्रेस दैट इज गिवेन, द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर विल बी एडेड टू इट। वंस इट इज एडेड, द रिजल्ट इज द एक्चुअल एड्रेस, गो टू दिस एड्रेस, ब्रिंग इन द डेटा। तो अब आप देखें 27 पे आपको क्या मिला, 8, यहाँ पे 8 आ गया। वो बेस एड्रेस है प्लस डिस्प्लेसमेंट के साथ वो प्लस हो जाता है। जिस आप फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे तो वहां पे डेटा होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो एरर आएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा होती है आपको हमेशा। हाँ, जब भी क्वेश्चन देंगे ट्रेसिंग के लिए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगी। ठीक हो गया। हाँ, जो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्यूमेटर आप कैसे देख रहे हैं। बाइनरी में जाएगा तो आप बाइनरी दिखाएंगे, क्योंकि पिछली सारी वैल्यू बाइनरी होंगी। इसका से कोई ताल्लुक नहीं है कि बाइनरी आप डालेंगे तो बाइनरी जाएगा और डेनरी डालेंगे तो डेनरी जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए वारिस कि कंप्यूटर की मेमोरी में हर चीज बाइनरी होती है। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए डेनरी बाइनरी का सीन बना हुआ है। हर चीज ना हेक्स है ना डेनरी है, हर चीज बाइनरी है। ये जो कमांड्स आपने मेमोरी में यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी सारी बाइनरी है। ये एड्रेसेस भी बाइनरी है, ये रिलेटिवनेस भी बाइनरी है, ये एड्रेसेस भी बाइनरी है, डेटा भी बाइनरी है। ये तो हमें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इस तरह लिखा जाता है। और फिर इसको जो ट्रांसलेटर है, जिसको हम कहते हैं असेंबलर, असेंबलर इन सब चीजों को अगर आप ना भी लिखें तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। तो ये सवाल इररिलेटिव बन जाता है। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं इंडेक्स के बाद रिलेटिव में। रिलेटिव में मैंने आपको ये बताया कि रिलेटिव का मतलब होता है मेरे से इतना आगे या इतना पीछे, और मैं खुद 0 पे हूं। अब मेरा कोई भी एड्रेस है तो ये मेमोरी के अंदर एड्रेसेस तो चेंज होते रहते हैं, प्रोग्राम नई जगह पे लोड होगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, वेयर एवर आई एम गो दिस मैनी नंबर्स अहेड, आई एम 0, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी हो सकता है, -8 होता है तो आप पीछे निकल जाते, -1 -2 -3 -4, हाँ, सब जा सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे +8 लिखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं +8 लिखा हुआ है, वैसे तो हमेशा 8 प्लस में ही होगा। तो आप आगे जाएंगे, आगे जाके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसको आप लाके एक्यूमुलेटर में देंगे। ठीक है, तो LDR के अलावा जितनी भी अभी तक आपने कमांड्स पढ़ी सबकी सब अक्यूमुलेटर में ला रही है, LDR इंडेक्स रजिस्टर में ला रहा है। अच्छा, इसके बाद आपके पास दो और कमांड है मूव। मूव का मतलब है कि जो कुछ भी आपके पास रखा हुआ है अक्यूमुलेटर में, आप उसको मूव कर दें इंडेक्स रजिस्टर में, और देर इज नो वे यू आर गेटिंग इट बैक इनटू अक्यूमुलेटर, याद रखिएगा। हाँ, आप सिर्फ अक्यूमुलेटर आपके होगा, हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, अच्छा, मूव कर दिया अक्यूमुलेटर को इंडेक्स में, और दूसरा स्टोर 29। तो अब आपका जो भी रिजल्ट बनेगा अक्यूमुलेटर के अंदर, उसको आप वापस मेमोरी में रखेंगे। मेमोरी में क्यों रखते हैं हम, मेमोरी में इसलिए रखते हैं ताकि उसको दूसरे प्रोग्राम या हम बाद में दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो आपके पास जो, जब आप स्टोर करोगे तो जो आपके पास अक्यूमुलेटर में होगा वो कॉन्टेंट मेमोरी में जाके जो गिवन एड्रेस होगा उस पे स्टोर हो जाएगा। सो देयर इज जस्ट वन कमांड ओवरऑल इन ऑल 8 कमांड्स दैट एक्चुअली टेक्स द डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर बैक टू द रैम। ऑल रेस्ट आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इन द डेटा टू द एक्यूमुलेटर। ये स्टोर जो है ये वापस लेके जाता है, लोड सारे लोड करते हैं, स्टोर राइट करता है, लोड रीड करता है, स्टोर राइट करता है। सो दैट्स इट।